अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपके सामने मुख्तसर तारुफ डिस्क्रिप्शन रखने की कोशिश करेंगे इसराइल से मुतालिक, यहूद से मुतालिक, मस्जिद अक्सा से मुतालिक। कुरान और सुन्नत में जब इन तीनों बातों का जिक्र आया है तो मुसलमान होने के नाते मेरे और आपके लिए बात जरूरी है कि एटलीस्ट हम इन तीनों से मुतालिक बेसिक मालूमात हमारे जहन में रखें, एक स्केच रखे हमारे जहन में, ताकि किसी भी किस्म की गलत फहमी वाली बात जो दुनिया में फैला दी जाती है उस गलत फहमी का हम शिकार ना हो जाएं, या गलत इल्म का शिकार हम ना हो जाएं, या कोई थियोरीज जो दुनिया के लोग सामने पेश करते हैं उन थियोरीज के गलत माने का शिकार हम ना हो जाएं। सबसे पहले देखेंगे वर्ड इसराइल आखिर ये क्यों वजूद में आया, और आज जो एक कंट्री है इसराइल, या फिर अपने आप को अपनी इस कंट्री का नाम इसराइल क्यों कहते हैं। बेसिक बात याद रखिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के खलील पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनके दो बेटे हैं, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े बेटे, दूसरे इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम के जनरेशन में कोई नबी नहीं आए, सिर्फ एक नबी आए, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अरब की तरफ भेजे गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इनके सिलसिले में कई नबी भेजे गए। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो इसराइल दरअसल में याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। बनी इसराइल क्या है? याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। गोया याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले आखिरी नबी हैं, इनकी जनरेशन, ये सब के सब बनी इसराइल हैं। इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लकब, याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे। तो लिहाजा इसराइल दरअसल में याकूब अलैहिस्सलाम का लकब है। तो लफ्ज इसराइल लेकर अगर आप गाली देते हैं तो वो गाली याकूब अलैहिस्सलाम को देने के मुतरादिफ हो सकती है, क्योंकि इन्होंने जो नाम रखा है वो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के सिलसिले में होने की निस्बत से नाम रखा है। या अगर आप बद्दुआ करते हैं कभी इसराइल का नाम लेकर, तो इंटेंशन क्लियर होना चाहिए इस मुल्क पर, इस मुल्क के कुफार और यहूद पर, या याकूब अलैहिस्सलाम पर, नीयत वाजे होनी चाहिए। इसलिए बेसिक इल्म होना मेरे और आपके लिए जरूरी है मुसलमान होने के नाते। दूसरी बात, बनी इसराइल, इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जो लोग हैं वो सब बनी इसराइल हैं। अब बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतु लकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, अपनी वो नेमतें याद करो जो अल्लाह ने तुम्हें दी, हमने तुम्हें सारे आलमीन पर फजीलत दी। अब यही बनी इसराइल यहूद हैं। ये यहूद क्यों कहा जाता है, इसमें मुख्तलिफ राय उलमाए इकराम की है। आइडिया होने के लिए दो बातें पेश की जाती। पहला बात यह कि याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, उलमाए इकराम ने कहा, वो बाद में यहूदा होते होते जाल हटकर दा यहूदा इस तरीके से उन्होंने कह लिया, उनकी निस्बत से लोग कहते हैं। दूसरी राय यह है कि हदाना, यानी वो लोग यहूद जो गुनाह करते थे, गलती करते थे, फिर तौबा करके पलट कर आते थे नेकी की तरफ अल्लाह के अजाब देखकर, इस निस्बत से भी उन्होंने अपने आप को यहूदा कह लिया। बहरहाल यहूद के बारे में ये दो राय हैं, इसके अलावा मजीद और भी राय हैं, लेकिन आइडिया होने के लिए ये बात आपके सामने रखी गई है। तीसरी बात, मस्जिद अल अक्सा, कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर पहली आयत में अल्लाह ने जिक्र किया। देखिए बनी इसराइल, कुरान मजीद में इनके नाम से सूरत भी है, इसराइल अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यानी इनकी औलाद। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा। कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल वो ज़ात पाक है जो ले गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। पुराने मजीद में मस्जिद अक्सा का जिक्र है। अब बात यह आती है कि मस्जिद अक्सा को किसने तामीर किया? उलमाए इकराम के करीब राजे हैं, राय यानी सबसे ऑथेंटिक राय, तारीख को, इल्म को, तौरात और पुरानी मजीद और सुन्नत का इल्म और तहकीक के बाद उलमाए इकराम के करीब राजे बात यह है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने ही मस्जिद अक्सा बैतुल मकदस की बुनियाद रखी थी। फिर बाज लोग कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी और मस्जिद अक्सा के नीचे सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला सुपर पावर्स दिए थे उसके नीचे दफन कर दिए गए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उलमाए कराम के करीब तामीर नहीं की, बुनियाद नहीं रखी, बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम ने जिसका लकब इसराइल है उन्होंने रखी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया होगा, इस बात का इकरार उलमाए कराम करते हैं। अब यह कहना कि मस्जिद अक्सा के नीचे सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का वह इल्म मदफून है, अगर वो मिल जाए तो यहूद दुनिया के सुपर पावर बन जाएंगे। पुरानी मजीद अल्लाह ने वादे कह दिया, ऐसी ताकत हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी है, ना उनसे पहले किसी को दी गई थी, ना उनके बाद किसी को दी जाएंगी। वो खजाना, वो इल्म किसी को मिल भी गया, पावर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से आता है, अल्लाह ताला वो ताकत किसी को नहीं देने वाला है। तो याकूब अलैहिस्सलाम जिनका लकब इसराइल है, उलमा इकराम के करीब राजे बात यह कि उन्होंने मस्जिद अक्सा की बुनियादें रखी और वहीं पर उनको नबूवत अता की गई और वहीं से उनकी दावत तबलीग का काम शुरू हुआ।
और जो लोग उन पर ईमान लेकर आते थे वो वक्त के मुसलमान थे। जो मूसा अलैहि सलाम पर ईमान लाए वो वक्त के मुसलमान है, जो ईसा अलैहि सलाम पर ईमान लाए वो वक्त के मुसलमान है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वो मुसलमान है। तो जो याकूब अलैहि सलाम यानी इजराइल अलैहि सलाम पर ईमान लेकर आए वो वक्त के मुसलमान थे यानी यहूद, और वो फलस्तीन ही में मस्जिद अक्सा थी, यहीं पर इनका जनरेशन आगे बढ़ा, यहीं से बनी इसराइल आगे बढ़ी। अब ये कह देना कि यहूद के हिस्सा है मस्जिद अक्सा, यहूद का हक है जेरूसलम पे, यहूद का हक है इसराइल पे, तो ये बात गलत है। मुसलमान जो थे उन्हीं को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वो दिया, और जो मुस्लिम नबी हैं उन्होंने बैतुल मक़दस की तामीर की। अब जो गुमराह हो गए बाद में याकूब अलैहिस्सलाम यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम का मजहब छोड़ दिए, यहूद बन गए, अंबिया को अपने हाथों से कत्ल कर दिया और तौरात की बातें बदल दी, उन्होंने अपने आप को यहूद कहना शुरू कर लिया। तो याकूब अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू हुआ फलस्तीन से। अब याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, 12 बेटों से 12 कबीले बने, एक बेटे का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकया आपने सूरह यूसुफ में पढ़ा होगा, फिर उनको वहां से कुएं में डाल दिया गया था, वहां से आप मिस्र चले गए थे इजिप्ट, फिर जिंदगी आगे बढ़ती गई, आप इजिप्ट के फाइनेंस मिनिस्टर बने, गवर्नर बने, और फिर मामला आपको पता होगा कि उनके वालिद, उनके वालिदा और उनके जितने भाई थे फलस्तीन से हिजरत करके आके याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम से इजिप्ट मिस्र में मिले और वहीं पर दोबारा बस गए, यानी बनी इसराइल का एक हिस्सा जो फलस्तीन में था याकूब अलैहिस्सलाम के साथ ही वो मिस्र को तशरीफ ले आए, मिस्र में जो उनकी जिंदगी बसर होना शुरू हो गई। और जब मिस्र पहुंचे तो इधर फलस्तीन में भी और मिस्र में भी जब ये लोग दाखिला ले लिए वक्त के मुसलमान, इसराइल जो लकब है याकूब अलैहिस्सलाम का इनके साथ, तो यहां पर इनका सिलसिला बढ़ता गया, हत्ता के मिस्र ही में लोग आगे बढ़ते गए, वक्त बीतता गया, साल बढ़ते गए, यहां तक कि इनके ऊपर एक बादशाह आ गया जिसका नाम था फिरौन। कुरान में मुख्तलिफ मुकामात पर आप इसके बारे में पढ़ते हैं। हत्ता के फिरौन जब इनके ऊपर जुल्म करने लगा, ज्यादती करने लगा, उन्हीं में से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को उठाया और उनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया। यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के जरिए फिरौन को दावत दिलाई, लेकिन फिरौन उनकी बात नहीं माना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की आजमाइशें आती गई। यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बनी इसराइल को, जो वक्त के मुसलमान थे, कुफर करने के बाद अपने आप को यहूद कह लिए, अल्लाह का बेटा कह लिए, अल्लाह के महबूब पसंदीदा कह लिए, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बनी इसराइल को फिरौन से नजात दिलाई, फिरौन को गर्क कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीने में जब यहूद की मुलाकात हुई तो कहा था, चूंकि 10 मुहर्रम को हमें फिरौन और उसके लश्कर से नजात दी गई थी, इसलिए हम शुक्राने के तौर पर उसे रोजा रखते हैं। और इससे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर जो गुजरा, जहां पर फलस्तीन में आप थे और आपने अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर ऐसी हुकूमत की और ऐसी ताकत अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको नवाजी कि आपसे पहले किसी को नहीं और आपके बाद किसी को नहीं, तो बनी इसराइल जो इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के सिलसिले से आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ एक बहुत ही उम्दा जिंदगी और ताकत वाली जिंदगी जो सो फलस्तीन में ऑलरेडी गुजार चुके थे। और यही कौम को जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने यहूद को बचा लिया, बनी इसराइल को बचा लिया, किससे? फिरौन और उसके जो सो जुल्म व सितम से। अब उसके बाद अल्लाह की नेमतें मिली तो ये कौम का मिजाज नाशुक्री का, कुफर का, ऐसा था कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम अब अल्लाह को डायरेक्ट हमें दिखा दो, अब अल्लाह से कह दो कि अजाब हम पर भेज दे, जरा बता दे अजाब क्या चीज़ है। अब ये कहने लगे कि मूसा अल्लाह से कहो कि हमारे पास आसमान से जो खाना आ रहा है वो खाना खत्म कर दे, मन व सलवा, प्याज लहसुन जमीन की ये चीज़ें दे। फिर कहा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह दो कोई किताब हम पर नाजिल करे, तरह तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को कहते। और जब अल्लाह तआला ने उसे हुक्म देते, अब आइए असल बात पर, बकरा, सूरह बकरा आपने प्रणवी में पढ़ा होगा, सूरह नंबर 2, अल्लाह के हुक्म में इनकी तरफ ये आया था, बनी इसराइल की तरफ, कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ने कि इनसे कहो कि अल्लाह के लिए गाय कुर्बान करें, बकरा गाय काओ गाय कुर्बान करें। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास 40 रातों के लिए तौरात लेने के लिए तूर सिनीन पर गए थे, तूर पहाड़ के आसपास जब आपको तौरात अता की गई, तो ये समझे कि मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम आने में वक्त हो गया, 40 रात का वक्त हो गया, उन्हीं दिनों में हारून अलैहिस्सलाम उनके पास मौजूद थे, गाय के बच्चे की पूजा करना शुरू कर दिए। तो यहूद वो हैं जो दुनिया में सबसे पहले गाय के पुजारी हैं, गाय की पूजा करने वाले सबसे पहले यहूद हैं, गाय की पूजा करना शुरू कर दिए। अल्लाह को रास दिखा दो बताए, अल्लाह से कहने लगे कि मन व सलवा नहीं, अब जमीन से खाना हमें दे दो, नाशुक्री करने लगे, कुफ्र करने लगे, अंबिया को कत्ल कर दिया, और फिर तौबा करते फिर रास्ते पर आते, फिर तौबा करते फिर रास्ते पर आते, इस वजह से भी अपने आप को यहूद कहते हैं। फिर जब फिरौन और उसके लश्कर से नजात दे दी गई, तरह तरह का डिमांड कौम करने लगी, हंसी मजाक उड़ाने लगी। अब उसके बाद यह हुआ कि जब गाय काटने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा अततखिदुना हुजवा, मूसा अलैहिस्सलाम क्या मजाक की बात कर रहे हैं, गाय को काट दें जिसको हम जो सो पूजा करते हैं, इस तरीके की बातें की। वक्त बीतता गया, जुल्म और सितम उनके ऊपर जमाने का था, अल्लाह ने जो सो उन्हें नेमतें दी, उन्हें माफ कर दिया, दरगुजर कर दिया, हत्ता के वक्त अब आ गया बैतुल मक़दिस फलस्तीन में दोबारा दाखिला होने का। अब समझ लीजिए यहूद फलस्तीन में दाखिला क्यों चाहते हैं, क्या उन्हें पहले दिया गया था, क्या वो कभी वहां रहेंगे, क्या कभी उन्हें वहां से निकाला जाएगा, ये सारी बातें आपको आइडिया के लिए कुरान मजीद की चंद आयतें पेश की जाती हैं।
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں بھیجی ہے. انبیاء کی کثرت تمہاری جنریشن میں سے آئی, تمہارے گھروں سے انبیاء کی کثرت اٹھی, اور تمہیں اللہ نے بادشاہ بنا دیا, اور تمہیں وہ دیا جو عالمین میں کسی کو نہیں دیا. اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اب راحت کے دن آ رہے ہیں, چلو داخل ہو جاؤ اس مبارک زمین پر. کس سے کہا؟ بنی اسرائیل سے, جو یہود ہیں, جو وقت کے مسلمان تھے, ان سے کہا داخل ہو جاؤ اس زمین پر. کون سی زمین ہے وہ؟ بیت المقدس, بیت المقدس جسے کہیے. داخل ہو جاؤ اس زمین پر, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے, فلسطین کے اندر داخلہ لے لو. اور جب قوم سے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے چلو جائیں گے اندر, تو قوم نے کیا جواب دیا؟ یہود آج کہہ رہے ہیں فلسطین ہمارا ہے, بیت المقدس ہمارا ہے. ظالموں, تم کو تو موسیٰ علیہ السلام کہتے چلو فلسطین میں داخلہ لے لیں گے, تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے کہا کہ ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے موسیٰ علیہ السلام, وہاں تو خداور قوم رہتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا داخل ہو جاؤ, اللہ تمہیں فتح دے گا, اللہ تمہیں کامیابی دے گا, اللہ تم کو حاوی کر دے گا ان کے اوپر, قوم بھاگ جائے گی وہاں سے جب تم داخلہ لے گے. تو قوم نے کہا ہم نہیں داخلہ لیں گے جب تک کہ وہ قوم وہاں سے نہیں نکلے گی. تو انہی بنی اسرائیل میں سے دو لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے, انہوں نے کہا ارے حملہ کر دو, اللہ کی مدد ضرور آئے گی, ہم کامیاب ہو جائیں گے, فلسطین ہمیں مل جائے گا, وہ مبارک زمین بیت المقدس اللہ ہمارے قبضے میں کر دے گا. تو اس وقت یہود نے کیا کہا؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 21 سے 26 تک پڑھیے. یہود نے کہا موسیٰ ہم نہیں آئیں گے, تم جاؤ, تمہارا رب اللہ جائے لڑو. اور یہ جو دونوں کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں, یہ دونوں کو ملے گا لڑنے, ہم تو نہیں داخلہ لیں گے فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر جب تک کہ وہاں سے وہ لوگ نہیں نکل جائیں گے, ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے یہود جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا اے وقت کے مسلمانوں آؤ فلسطین میں داخلہ لے لو, تو کہے تھے اللہ کا حکم تھا داخلہ لو, جب اللہ نے کہا داخلہ لو اس وقت انہوں نے کہا ہم داخلہ نہیں لینے والے, انہوں نے داخلہ لینے سے انکار کر دیا تھا. اب جو بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ داخلہ لیے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ, وہی سچے مسلمان ہیں. تو گویا فلسطین میں جو داخلہ لیے وہ وقت کے مسلمان لیے, پیغمبروں کو قتل کرنے والے یہود, موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے یہود, گائے کی پوجا کرنے والے یہود, من و سلوا نہیں ہونا کہنے والے یہود, اللہ کو آنکھوں سے دکھاؤ کہنے والے یہود, یہ بیت المقدس میں داخلہ نہیں لیے. بعد میں جب مسلمان پاورفل ہو گئے تب یہ لوگ بھی بیت المقدس میں داخلہ لے لیے, اور وہیں سے فتنہ پروری شروع کی. تو اب کیا ہو گیا؟ جب کہا فلسطین میں بیت المقدس میں داخلہ نہیں لیتے اس قوم سے ڈر کے جو قوم پہلے سے وہاں پر تھی, تو اللہ عز و جل کے حکم کا انکار کرنے پر اللہ نے کہا اب تو تم بیت المقدس میں داخلہ نہیں لے سکو گے. اب لعنت ہی ان کے اوپر کر دی گئی کہ 40 سال تک بیت المقدس فلسطین میں داخلہ نہیں لے سکے, اس عذاب کی شکل میں جو اللہ کی نافرمانی کی تھی. 40 سال تک گلی گلی بھٹکتے رہے لیکن کبھی فلسطین کو نہیں آئے. لیکن 40 سال کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, انہی میں سے نیک لوگ اٹھے جس کے ذریعے اللہ عز و جل نے دوبارہ بنی اسرائیل کو طاقت اور تقویت دی, اور وہ لے کر انہیں فلسطین کے اندر داخلہ لے گیا. مسلمان جو وقت کے تھے وہ ان نافرمانوں کو لے کر ایمان کی دعوت دیتے ہوئے, اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فلسطین کے اندر داخلہ لیے, اور وہاں پر ان کی زندگی دوبارہ شروع کی گئی. گویا مسلمان ایمان والے اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی, دوبارہ اس میں داخلہ لینے والے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے بعد بھی ایمان والے تھے. یہ نافرمان جس کا ذکر کر رہا ہے یہود, اور جو بنی اسرائیل میں سے نافرمان نکلے یہود اپنے آپ کو کہنے والے, ان کو ہمت بھی نہیں تھی داخلہ لینے کی, مسلمانوں نے ایمان والوں نے انہیں داخلہ لے کر فلسطین میں جگہ دی. اور جب داخلہ لینے کے لیے فلسطین میں ان سے کہا گیا کہ اللہ سے رجوع کرتے ہوئے داخلہ لو, اللہ سے توبہ کرتے ہوئے داخلہ لو, تو ظالم قوم داخلہ لے رہی تھی لیکن اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے ہوئے داخلہ لے رہی تھی. تو گویا حقیقی طور پر فلسطین, مسجد اقصی, بیت المقدس, یہ جو علاقہ ہے یہ ایمان والے لوگوں کے ذریعے تعمیر کیا گیا, ایمان والے لوگ ہی وہاں بسے. یہ یہود ڈرتے ہوئے نافرمانی کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے عذاب سے دھتکارے ہوئے نہیں آ سکے 40 سال تک, لیکن پھر موقع پڑا تو آئے اور اپنے پر کھول کر وہاں پر ظلم و ستم, زیادتی, نافرمانی دوبارہ کرنے لگے. اب پھر جب فلسطین میں ان کی دوبارہ زندگی شروع ہوئی تو بعد کے دور کے بادشاہ آتے گئے, اور اس کے بعد ظلم و ستم ان پر بڑھتا چلا گیا, نافرمانی آ رہی تھی, اللہ کا عذاب آ رہا تھا, حتیٰ کہ یہود کو نکال دیا گیا بیت المقدس سے, ایمان والے جو تھے وہیں ٹکے رہے. بعد میں بڑے دوسرے بادشاہ آئے تو یہود کو نکال دیے, یہاں تک کہ یہود جب نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وقت میں جا کر مدینہ میں تھوڑے بس گئے, مکہ میں تھوڑے بس گئے. پھر اس کے بعد وقت بڑھتا گیا, اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے, اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور دنیا کے سامنے آخری پیغمبر بھیج دیے گئے, تو یہود کئی انبیاء کرام کو دیکھ چکے تھے, ان کی سلسلے مرتے گئے, ان کو پتا تھا کہیں نبی آئے. بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں جو کثرت انبیاء کرام کی آئی انہی میں سے جنریشن بڑھتی چلی گئی, وہ 12 بیٹوں میں سے یعقوب علیہ السلام کے. حتیٰ کہ یہود کو پتا تھا تورات اور انجیل میں کہ آخری پیغمبر آنے والے, یہود مانتے تھے, ایمان لاتے تھے آخری پیغمبر آنے والے, انکار نہیں کرتے تھے, لیکن سمجھتے یہ تھے جس طرح یعقوب علیہ السلام کے سلسلے سے ہی انبیاء کی کثرت آئی, وہ آخری نبی بھی یعقوب علیہ السلام کے سلسلے سے آنے والے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے شاید بنی اسرائیل سے. لیکن ایسا نہیں ہوا, ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام, ان کے سلسلے سے اللہ عز و جل نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا عرب کی طرف. اب ہوا یہ, یہود
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किए, कुफर किए, इस बिना पर क्योंकि वो कहते थे कि बनी इसराइल से आखिरी नबी आने वाले थे, अरब से आखिरी नबी आए, हम उनका इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अरब के लोगों को वो लोग कमजोर तबके का समझते थे, उनके माल को नाजायज तरीके से खाना हलाल समझते थे, अरब के लोगों में जंगे लड़ाया करते थे, फितना जमीन पर मचाया करते थे, जिसकी बिना पर वो अरब से आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिए। अब जब अल्लाह के नबी सल्लम आ गए तो अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया। अब बनी इसराइल हो या कयामत तक आने वाले जितने लोग हो, सबके सबको अल्लाह के नबी सल्लम को ही नबी मानना है। अब जो यहूद इस्लाम कबूल कर लिए वो मुसलमान बन गए, और जो इस्लाम कबूल नहीं करे वो यहूद हैं वो काफिर हैं, वो नसराना है क्रिश्चियंस वो काफिर हैं, वो मुनाफिकीन हैं वो काफिर हैं। जो ईमान लाए अल्लाह के नबी सल्लम पर वो मुसलमान है, जो ईमान नहीं लाया वो काफिर है, वो अपने कुफर में रहे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके साथ है, अल्लाह के नबी सल्लम को जो दीन दिया गया, मुसलमानों को जो दीन दिया गया, वो दीन हमारे साथ है। अब फिर वही नाफरमानी चलती गई फलस्तीन में रहकर, हत्ता के फिर दौर ऐसा आ गया कि लेटेस्ट जमाने में आप देखेंगे हिटलर का जमाना भी यहूद देख लिए, जहां पर गैस चेंबर में डालकर इन्हें जला दिया गया था। हिटलर को कहिए भाई कि अरब जलाए या मुसलमान जलाए, यहां बात अरब या यहूद की नहीं है, यहां बात है यहूद और ईमान वालों की। अरब में तो यहूद भी थे, मदीने में नहीं थे क्या यहूद? बात है जो ईमान वाले हैं वो मस्जिद अक्सा की तामीर के इजराइल अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम जो ईमान वाले थे वो अल्लाह के हुक्म से दोबारा दाखिल हुए। जो ईमान में कमजोर थे नाफरमान थे अल्लाह के, वो यहूद कहने लगे हम नहीं दाखिला लेंगे, अजाब की शक्ल में 40 साल तक दूर रहे, बैतुल मक़दिस में दाखिला नहीं ले सके। आज भी जो ईमान वाले हैं बैतुल मक़दिस में है, फलस्तीन के अंदर है, वहां मस्जिद अक्सा में जाते हैं, काबतुल्लाह की तरफ रुख कर नमाज पढ़ते हैं। क़िबला क्योंकि चेंज कर दिया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नमाज फर्ज की गई कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद, जब आप मदीने में मस्जिद क़िबलतैन में नमाज पढ़ रहे थे, नमाज ही की हालत में बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे, चेंज करके काबतुल्लाह की तरफ क़िबला कर दिया गया। तो गोया आज हमारा क़िबला वो नहीं है लेकिन क़िबले अव्वल है बैतुल मक़दिस। 3 मस्जिदों को सफर करना जायज है, बैतुल मक़दिस, मस्जिद हराम खाने काबा और मस्जिद नबवी मदीना के अंदर। सबसे ज्यादा फजीलत नमाज का अजर व सवाब मस्जिद हराम खाने काबा का है, उसके बाद मस्जिद नबी का, उसके बाद बैतुल मक़दिस का। इन 3 मस्जिदों की हिफाजत करना मुसलमानों की जिम्मेदारी है, जो अपनी ताकत के मुताबिक करेंगे। बादशाह हैं, वक्त के हैं, सऊदी अरब के हैं, कतर के हैं, बहरीन के हैं, तुर्की हैं, फला हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या है वो निभालेंगे। कोई अगर जिम्मेदारी नहीं निभाता तो आपको इख्तियार नहीं है, देखो सऊदी अरब नहीं करता, देखो तुर्की नहीं करता, देखो फला नहीं करता, इनका जवाब ये देंगे, आपका जवाब आप दें। आज जो फलस्तीन के अंदर मुसलमान है उनका जवाब वो देंगे। हमारा काम यह है मुमकिन हद तक पॉलिटिकल प्रेशर, मुमकिन हद तक जो कानून में दायरे में रहते हुए हम काम कर सकते हैं करें, अल्लाह से दुआ करें, लेकिन सबसे अहम बात यह है दीन पर जमे रहें। फलस्तीन के अगर आज लोग दीन को छोड़ देंगे जो यहूद ने छोड़ा, दरगाह रांदा हो गए, दर दर फिरते रहे, और जुल्म सितम से वही फलस्तीनी मुसलमानों को कसते 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 फलस्तीन कब्जा कर 90% फलस्तीन कब्जा कर लिए, जहां दाखिला भी नहीं लेना चाहते थे अल्लाह के हुक्म से 40 साल फिरते रहे, और वहां से जब निकाल दिए गए तो जबरदस्ती कब्जा करके इसराइल डिक्लेयर कर दिया याकूब अलैहिस्सलाम का नाम, क्योंकि बनी इसराइल है। फलस्तीन को छोटी सी पट्टी बनाकर स्ट्रिप बनाकर छोड़ दिया, इसलिए आप देखते होंगे मीडिया में कहा जाता है गाजा स्ट्रिप, छोटी सी पट्टी गाजा ही आज फलस्तीन बनकर रह गई, जिसमें जेरूसलम भी है और जेरूसलम में मस्जिद अक्सा है, और ये चाहते हैं कि जेरूसलम को भी कब्जे में ले लें, क्योंकि इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर की थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में वहां बरकतें खूब लूटे थे, दोबारा यहां पर कब्जा कर लेंगे न्यूक्लियर पावर के जरिए, अमरीका से डराकर, फलां से डराकर, ताकि दूसरे मुस्लिम ममालिक अमरीका का नाम सुनकर दूर हट जाए। ये सब इनकी चालबाजियां हैं। अल्लाह के दीन पर जमे रहो मुसलमानों, मस्जिद अक्सा आज भी मुसलमानों के हाथ में है, सजदा हमारा हो रहा है वहां पर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वहां पढ़ी जाती है। कब्जा करना चाहते हैं आप अपने दीन पर जमे रहिए। वक्त तो कयामत से पहले ऐसा भी आएगा अजीज दोस्तों कि काबतुल्लाह की ईंट ईंट निकाल देगा कब्जी आदमी आकर। क्यों? हरम के मक्के के रहने वाले लोगों में भी अल्लाह मसीह उसे ने कहा इस हदीस की बिना पर नाफरमानी आ जाएगी। जब नाफरमानी आ जाएगी अल्लाह ऐसे जालिमों को मुसल्लत कर देगा जो काबे को भी तोड़ देंगे। आज मुसलमानों में अगर वहां की नाफरमानी आ गई तो तुम पर मुसल्लत किए जा रहे लोग। अल्लाह से दुआ करिए ईमान पर जमे रहिए। फलस्तीन, मस्जिद अक्सा, बरमुडा ट्रायंगल, दज्जाल, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहूद, ज्यूस दुनिया को कंट्रोल करेंगे, फला फला थियरीज आते चले जा रहे हैं, लोग जो सो दीवाने हो जा रहे हैं, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, अरे क्या हो जाता? दीन सीखो, दीन पे अमल करो। मस्जिद हरम भी तोड़ दी जाने वाली, खाने काबा भी तोड़ दिया जाने वाला है कयामत से पहले। मस्जिद अक्सा तुम्हारे पास रहे तुम्हारा ईमान सलामत रहना, मस्जिद अक्सा तुम्हारे पास ना रहे तुम्हारा ईमान सलामत रहना, खाने काबा सलामत है तुम्हारा ईमान सलामत रहना, खाने काबा कयामत से पहले अल्लाह के नबी ने कहा तोड़ दिया जाएगा तब भी तुम्हारा ईमान सलामत रहना। ये बुनियादी चीजें हमारी है, ईमान सलामत रहेगा अल्लाह मसाजिद अता करेगा, इज्जत अता करेगा, बादशाह अता करेगा, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया। जमाने आने वाले हैं, अजीम तरीन जमाना आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आएगा, और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल और यहूद जो जमीन पर आज फितना मचा रहे हैं आगे भी मचाएंगे, उनके साथ मुकाबला करेंगे। लुद्ध गूगल पर टाइप करके देख लीजिए, लुद्ध मुखाम पर
दज्जाल को खतल करेंगे, ईसा अलैहि सलाम घुल जाएगा जैसे नमक घुल जाता है पानी में ईसा अलैहि सलाम को देखकर दज्जाल। ये यहूद आज इसराइल का मिलिट्री बेस है लुद, मस्जिद अक्सा के बहुत करीब है, लुद मस्जिद अक्सा के करीब ही कत्ल कर दिया जाएगा दज्जाल को और यहूद को जो लड़ने आएंगे। दोबारा मस्जिद अक्सा अल्हम्दुलिल्लाह फतेह होगी, मुसलमान वहां पर कायम होंगे। किसके जमाने में? ईसा अलैहि सलाम के जमाने में, जो कयामत से पहले आने वाला है। परेशान मत होइए, अपने ईमान की फिक्र कीजिए। आपके ईमान की फिक्र करना ही आपके लिए बात आसानी होगी कि अल्लाह ताला आपको तमाम तरह खुशियां अता करेगा, मसाजिद भी आपके कंट्रोल में रखेगा। ईसा अलैहि सलाम और वक्त के मुसलमान अपने ईमान की फिक्र किए, दज्जाल को भी खत्म करेंगे, मस्जिद अक्सा भी कब्जे में आएगी। अजीज दोस्तों, गुमराह कुन बातों में, थियरीज में, यूट्यूब के वीडियोस में, दज्जाल में, फला में, ये चीजों में, वो चीजों में, जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, खाली थियरीज लोग बनाकर, बरमुडा ट्रायंगल ऐसा हो गया, देखो दुबई में कमान हो गई, देखो एक आंख सऊदी अरब के पुलिस के ड्रेस पे आ गई, देखो फला हो गया, दज्जाल दाखिल हो जाएगा, मनगढ़ंत बातों को छोड़िए यारो, ईमान की फिक्र करो। दिल में ईमान कितना है ये फिक्र करो, दिल में कुरान कितनी फिक्र करो, दिल में सुन्नत पे अमल कितना ये देखो, दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दिन ये देखो, ताकत तुम्हारी होगी जैसे अल्लाह अज़्ज़ल पहले के ईमान वालों को ताकत दिया था। गुमराही का शिकार मत दीजिए। ये बात आपके सामने वीडियो में उलमा इकराम के फतावों की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो उलमा इकराम ने बात की है, चीदा चीदा बातें रखी गई। इसराइल क्या है, यहूद क्या है, बैतुल मक़द्दिस क्या है, बनी इसराइल क्या है, क़यामत से पहले क्या होने वाला है, ये बातें रखने की कोशिश की गई। अल्लाह अज़्ज़ल हम तमाम के लिए रहनुमाई अता करे जिंदगी के तमाम उमूर में। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व सल्लम तस्लीमन कसीरा।